सब्सक्राइब करें थैंक्स इशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंत आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक मसीह भाई बहन सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश, एक नई उम्मीद आपके जीवन में दिया है। यदि आज परमेश्वर का आप धन्यवाद करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, आज जो बहुत सारी चिंताओं में और काम को लेकर के आप परेशान है, हताश, निराश है, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, दुख है, परेशानी है, बहुत सारी चीजें हैं, एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से लोगों की पुस्तक अध्याय 11 और 13 में कहा गया है, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों दे, क्यों ना देगा। इस बात को हमें याद रखना है। आज हम यदि किसी चीज को मांगना चाहते हैं, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:7 में, यदि तुम मांगते हो तो तुम्हें मिलेगा, यदि तुम ढूंढते हो तो तुम पाओगे, यदि खटखटाते हो तो तुम्हारे लिए एक रास्ता खोला जाएगा। क्या आप मांगते हैं? क्या आप ज्ञान, बुद्धि और समझ मांगते हैं? हमारा परमेश्वर क्यों नहीं देगा? जब परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमारा पवित्र आत्मा है, जो आज हमारे शरीर, हमारे दिमाग, हमारे बच्चों, हमारे घर परिवार को नियंत्रण करता है, उसे संभाल करके रखता है, सुरक्षित रखता है, तो आज हमें क्यों नहीं मिलेगा? आपके पिता होंगे, आपके माता होंगे, आप यदि आप उसके बच्चे हैं, आप बेटे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपका पिता आपको देना चाहता है तो मैं क्यों ना दूंगा। हालेलुया। इसीलिए इस परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा, और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, याद रखिएगा, हमें यह शिक्षा दी गई है कि हम पवित्र आत्मा से भरपूरी के तरीके से हमें प्रार्थना करना है, हमें अच्छी तरीके से, अच्छे मन से हमें प्रार्थना करना है कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। और हमें यही सिखाया गया है, यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम्हें शिक्षा और ज्ञान और बुद्धि और समझ चाहिए, इस तरीके से आपने सुलेमान के जीवन में देखा, सुलेमान के पास बहुत पैसा था, बहुत धन था, बहुत दौलत थी, लेकिन उसने क्या मांगा? उसने यही मांगा कि हे परमेश्वर, मुझे इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे कि मैं अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के बारे में कुछ सोच सकूं, समझ सकूं और कुछ कर सकूं। क्या मांगा? ज्ञान और बुद्धि और समझ। यदि हमारे पास ये तीनों चीज हैं तो हम दुनिया में कहीं भी रह करके आज हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। जो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख आपके जीवन में है, तो खुदा वंद वचन कहता है कि हे परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज जो हैं, आज जो लोग सुनते हैं, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, खुदावंद उनसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उन्हें आशीष देने वाला परमेश्वर है, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला है, और आपके आपके परिवार को, आपके घर को नियंत्रण करने वाला है, संभालने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हें एक पवित्र आत्मा दिए जा रहा हूं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख आपके जीवन से दूर होंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जो पिंतेकुस्त के दिन में, ये बात बहुत जरूरी है, हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अधिक से अधिक प्रार्थना करना है, अधिक से अधिक हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करना है, उसके वचन को समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है, पीड़ितों के काम अध्याय 2:4 में लिखा है, इस प्रतिज्ञा की पूर्ति थी जबकि पवित्र आत्मा वास करने के लिए आया। ये प्रतिज्ञा है कि आपके दिल में, आपके जीवन में, आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा वास करेगा। तो आपको क्या घबराना है? आपको क्या डरना है? आज कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो खुदावंद आपको संभालने वाला परमेश्वर है, वो आपको देखने वाला है। इसीलिए इफिसियों को 5:18 में कहा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज तेरे जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। मिस्र के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यहूदियों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज तू मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। पवित्र आत्मा के द्वारा यदि तू प्रार्थना करता है, विनती करता है, तो मेरे तेरे जीवन में हर एक चीज को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं।
हर एक चीजों को जो धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो हमें श्वास देता है, जो आज हम सभी लोग श्वास लेते हैं, जीवन आज हम जी रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि तुम उसकी प्रार्थना करो, उससे विनती करो, उससे विनती करो, उससे निवेदन करो, ताकि आपके जीवन दुख ना आए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो, ताकि शैतान आपके द्वारा आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से, आपकी नौकरी से, आपके जॉब से, हर एक चीज बिजनेस से, हर एक कामों से निकल जाए, आपके बच्चों को जीवन से निकले, ताकि आपके बच्चे आपके जीवन में बहुत सारी आशीष पाएं और बरकत पाएं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस किसी ने मुझ पर विश्वास किया है उसने पिता में विश्वास किया है। यीशु मसीह ने कहा, जिस किसी ने मुझ पर विश्वास किया है उसने पिता में विश्वास किया है, और जिस किसी ने मेरे बातों को सुना है उसने पिता की बातों को सुना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने के लिए आया है। इसीलिए याद रखिए कि आपको प्रार्थना करना है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपके हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, जोर से बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है, आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरे नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं, आज हम हर प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था, याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया, उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया, आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्यों। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं
मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, कुंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोक को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं है, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के, 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया, याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे, सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल भी उदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बेटे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन की घटना को लेकर के रखिए, आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बल से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए इसी वक्त, आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके, कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहां पे हैं कहां नहीं हैं, लेकिन इस समय जहां भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस
समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे, यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है, आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है, आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा इस मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है, आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपके आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद अपने मन को हल्का करने के बाद आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए, परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज मैं हर एक पापों को अपराधों को गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता, जो भी मैंने पाप किए जो भी मैंने अपराध किए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया मैंने ये किया मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, ऐ शैतान हे दुष्ट आत्मा हे गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज आपको घबराना नहीं है, आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए, तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम
करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है।